हे दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल SS Blog। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धनबाद रेलवे स्टेशन के बारे में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड DHN भारतीय रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है जो धनबाद शहर की सेवा करता है, जो भारतीय राज्य झारखंड में धनबाद जिले का मुख्यालय है। यह झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो हर दिन 100 से अधिक ट्रेनों और 1,00,000+ यात्रियों को संभालता है। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे जोन के धनबाद रेल डिवीज़न का मुख्यालय भी है। हावड़ा और नई दिल्ली को जोड़ने वाली ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन धनबाद जंक्शन से होकर गुजरती है। दोस्तों, सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक यह यकीनन ग्रैंड कॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। वास्तव में धनबाद वह जंक्शन है जिस पर ग्रैंड कॉर्ड वास्तव में सियासी अनुभाग से विचलन करता है। सियासी रेल लाइन धनबाद से शुरू होती है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में समाप्त होती है। सियासी अनुभाग के अलावा रांची के लिए एक सीधी रेखा थी जो बोकारो और चंद्रपुरा से होकर जाती है। रांची के लिए बाध्य अधिकांश ट्रेनें इस मार्ग से को लेती है। दोस्तों, धनबाद की देश की अन्य प्रमुख हिस्सों जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जयपुर, नागपुर, पुणे, गुवाहाटी, जमशेदपुर, डाल्टनगंज आदि के साथ रेल संपर्क है। जिले से गुजरने वाली एक और रेल लाइन खड़गपुर से शुरू होती है और गोमो पर समाप्त होती है। यह रेल लाइन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आती है। धनबाद रेल नेटवर्क के माध्यम से अधिकांश राज्यों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, धनबाद से गुजरने वाली हर ट्रेन का यहाँ ठहराव है। यह स्टेशन कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन बंद होने के बाद अपना महत्व खो रहा है। प्लेटफॉर्म 6 और 7 अब लुप्त हो रहा है, लेकिन महुदा जंक्शन सड़क मार्ग से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है और चंद्रपुरा धनबाद लाइन के बंद होने के बाद विभिन्न ट्रेनों के लिए धनबाद और आसपास के स्थानों के लिए प्रतिस्थापना बन गया है। दोस्तों, धनबाद से झरिया और पाथरटी को जोड़ने वाली एक और रेलवे लाइन हुआ करती थी। हीरे को पार करने के लिए लाइन को सियासी अनुभाग को काटना पड़ता था। अब जबकि लाइन को भंग कर दिया गया है, डायमंड क्रॉसिंग अब चालू नहीं है। पहले जब रांची और आसपास के इलाकों से बहुत कम ट्रेनें थीं, तब धनबाद के साथ साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पूरे झारखंड राज्य के मुख्यालय रेलवे स्टेशनों के रूप में सेवा करता था। दोस्तों, दुर्गापुर के बीच की पूरी बेल्ट और धनबाद और उससे आगे के सभी रास्ते औद्योगिक है। कारखानों के अलावा कई कोयले की खाने हैं, कुछ अब बंद हो गई है और कुछ खानों में गहरे जलने वाली आग के साथ खनन क्षेत्र का बड़े क्षेत्र के लिए फैली हुई है। ज़्यादातर पटरियों के दक्षिण में है। ट्रैक का एक हिस्सा कटिंग से गुजरता है जहाँ आसपास के क्षेत्र ट्रैक स्तर से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप पटरियों को पार करने वाले विशेषता वाले छोटे चिनाई वाले पुलों का भ्रम है। दोस्तों, यह विवरण समिति द्वारा गोमो लोकोशेड और CLW ट्रिप रिकॉर्ड है। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने 1894 में धनबाद के रास्ते कतरासगढ़ तक अपनी लाइनें बढ़ाई। झरिया कोलफील्ड में रेलवे में EIR के प्रमुख खंडों में से एक धनबाद फुलारी टाण खंड 21.6 किलोमीटर 1894 में कतरासगढ़ में खोला गया और 1924 में फुलारी टाण तक विस्तारित किया गया और धनबाद पाथरडी खंड 1903 में खोला गया। दोस्तों, फरवरी 2012 में भारतीय रेलवे ने एक रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSDC की स्थापना करने की योजना बनाई थी, जो कि धनबाद जंक्शन सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने और वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए रेस्टोरेंट, खरीदारी क्षेत्र और फूड प्लाजा के निर्माण और यात्री सुविधाओं में सुधार पर काम करेगा। 1960-61 में कुमार डूबी धनबाद प्रधानतन पाथरडी और धनबाद गोमो सेक्टरों का विद्युतीकरण किया गया। दोस्तों, स्टेशन में सभी प्रमुख सुविधाएं जैसे वेटिंग रूम, कंप्यूटर के आरक्षण सुविधा, छात्रावास, रिटायरिंग रूम, कैफेटेरिया, बुक शॉप, फूड प्लाजा आदि है। इसे मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को नया रूप दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे का एक संभागीय मुख्यालय है और इसके परिसर में कई गैर यात्री संबंधित सुविधाएं जैसे लोकोशेड, वॉशिंग लाइन आदि है। 21 नवंबर 2016 से मुफ्त रेलवायर वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है।
दोस्तों यदि आपको मनेटाड और जोड़ा फाटक क्षेत्र पर आना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएँ, और यदि आपको धनबाद के मध्य क्षेत्र में पहुंचना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार पर के पर आएँ। आप प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ, न्यूज़पेपर्स और अधिक सुविधाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 2 और 3 में एक्सेलेटर लगाया गया, वह वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए उच्च मददगार साबित होता है। दोस्तों धनबाद स्टेशन रोडवेज द्वारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर एक बस स्टैंड है जहां कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे नज़दीकी शहरों के लिए बस से आसानी से उपलब्ध है। स्टेशन के बाहर एक टैक्सी स्टैंड है जिसमें बहुत सारी टैक्सियाँ हमेशा उपलब्ध रहती है। रांची और जमशेदपुर के साथ धनबाद को योजना के तहत बसों के साथ शहर परिवहन के लिए प्रदान किया गया था। दोस्तों इन बसों का इस्तेमाल लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। धनबाद जंक्शन एक श्रेणी A1 स्टेशन के साथ साथ मंडल मुख्यालय भी है। यह आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन है और यहाँ हर ट्रेन का ठहराव है। ग्रांट कार्ड पर केंद्रीय रूप से झूठ बोलते हुए इसे गया जंक्शन द्वारा दिल्ली की ओर और आसनसोल रेलवे स्टेशन को हावड़ा की तरफ से घुमाया जाता है। लंबी दूरी की ट्रेनों को अपने लोकोमोटिव और रैक को यहाँ बदलना असामान्य नहीं है। दोस्तों धनबाद से गुजरने वाली सभी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ तकनीकी ठहराव है। स्थानों में कमी के कारण धनबाद में वर्तमान में कोई लोको सेट नहीं है। इसमें पहले स्टीम लोको सेट हुआ करता था। इसके बाहरी भाग में ट्रिप लोको सेट है। गोमो में इसका इलेक्ट्रिक लोको सेट है और पतरातू में इसका डीजल लोको सेट है। क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन होने के नाते यह एक बहुत भारी संरक्षण पाता है और बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। हे दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे।